Georgia. I'll be rocking Canada. तो और भाई लोग और उसकी बहन लोग, क्या हाल चाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आज़ाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो, सबसे पहले तो तुम लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी, क्योंकि भाई साहब दो दिन से कोई भी वीडियोस नहीं आए हैं मेरे चैनल पे, ना ही कोई लाइव स्ट्रीम हो रही है। तो तुम लोग लाइव स्ट्रीम के कारण तो नाराज़ हो ही, लेकिन गेम प्ले भी नहीं आ रहा है। तो भाई साहब मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, भाई गेम प्ले कहाँ है, कम से कम गेम प्ले तो दे दो। तो देखो सॉरी, किसी का रिप्लाई कर पा रहा हूँ, किसी का नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ करना। लेकिन आज से गेम मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था इसके लिए, क्योंकि कुछ कारण था, वो चीज़ें बाद में बताई जाएगी आप लोगों को। लेकिन अब वीडियो आएंगे, मतलब हाँ जब भी डिस्टर्ब होगा तो वीडियो नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है। तो गाइज इसी के साथ आज मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड, और तबाही तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख ली है, उससे कई गुना ज़्यादा तबाही देखने को मिलेगा आगे। तो भाई साहब मैं उतर चुका हूँ मिल्टा पावर में, और मुझे मिल चुका है VSS। सीरियसली बोल रहा हूँ VSS, मतलब लौंडे देखे थे मेरे सामने, स्क्वाड उतर रही है और मैं VSS लेके भागूंगा, कैसे जिंदा रह पाऊंगा, नहीं। उसके बाद ही मिल जाती है मुझे S12 के, तो भाई साहब मेरी जान में जान आती है थोड़ी से, तो क्योंकि एक गोली से मर जाता है लौंडा उससे। और देखो छत के ऊपर मैं सिर्फ अकेला हूँ, लेकिन छत के नीचे भाई साहब तबाही मची हुई है, सीरियसली बोल रहा हूँ। इतने ज़्यादा लौंडे हैं नीचे कि अनगिनत बोल सकते हैं इसको, और मैं यहाँ पर वेट करने लगता हूँ कि कोई लौंडा तो आएगा छत के ऊपर भगते भुगाते, तो हम उधर ही पेल देंगे उसको। लेकिन भाई साहब कोई छत के ऊपर आने को राजी नहीं होता, और मुझे नीचे जाने में डर लग रहा है, क्योंकि यहां से दिखता नहीं है नीचे, और भाई साहब नीचे वाले को तो पूरी सीढ़ी नजर आती है। तो फिर भी जाने की कोशिश करते हैं, देखो चलो क्या होता है, देख लेते हैं आगे। और भाई साहब इस सिचुएशन में ना मेरी जान हलक में आ चुकी थी, सीरियसली बोल रहा हूँ कसम से। मतलब मैंने 4-5 लौंडों को ठिला दिया, मुझे बड़ा खुशी, लेकिन भाई साहब एक बॉट आके तुमको पेल जाए ना, तो भाई साहब इससे ज़्यादा दुख की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि 5 या 10 SP बची थी मेरी हेल्थ की, और कहीं से बॉट आके भाई साहब पट पट गोलियाँ पटका रहा था। लेकिन किसी तरीके से 2 गोली लगने से मर जाता मैं, लेकिन एक ही गोली लगी थी भाई साहब, हाँ बच गया मैं, सीरियसली बोल रहा हूँ। और बॉट को मैंने एक S12 के मारा, लेकिन लौंडा ठिला नहीं दूसरे बार मारा, तब ठिलाया भाई साहब। लेकिन सारे लौंडे को मैं मारा हूं S12 के, सब लौंडे एक गोली में मर गए, लेकिन बॉट नहीं भाई साहब, ये पूरा प्लानिंग करके आया था मेरे को मारने का, बच गया मैं किसी तरीके से। और ऊपर चढ़ता हूं मैं, उधर फायरिंग चल रही थी, तो भाई साहब नजर डालते हैं कहां फायरिंग चल रही है, कौन चला रहा है गोलियां।
अब दो लौंडों को तो मैं यहीं से नॉक कर देता हूँ भाई साहब, मतलब हाँ सीरियसली, मैं एक लौंडिया भी थी, मतलब हाँ जो भी थी, लौंडा लौंडिया जो भी थी, दो को मैं यहीं से नॉक कर देता हूँ और यहाँ से कूदता हूँ और जाता हूँ आगे मैं कन्फर्म करने के लिए, क्योंकि दोनों नॉक हुए थे तो भाई साहब एक बंदा और भी हो सकता था, दो बंदे और भी हो सकते थे उसका पार्टनर। तो मैं यहाँ पर कवर लेता हूँ, एक नेड फेंकता हूँ और उसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। और ये दोनों प्रेमी जोड़े तो सीधा लॉबी पहुंच जाते हैं, लेकिन मुझे तो छोड़ो, इसको भी नहीं पता होगा कि इसका पार्टनर इसको बचाने को आएगा कि नहीं आएगा भाई साहब। सीरियसली मैं कोई इसके बाद मिलता नहीं है मिल्टा पावर में, तो मैं यहाँ से जितनी भी सस्ती महंगी लूटें होती है सब कुछ उठाता हूँ और उसके बाद एक बाइक मिल जाती है मुझे रस्ते पर, तो भाई साहब बाइक उठा के सीधा जोन से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ। मतलब आधी दूर जाता हूँ तो मुझे एक यूएजी दिख जाती है, तो मैं बोलता हूँ यूएजी उठा लेते हैं, और यूएजी उठाते के साथ मुझे एक बॉट नज़र आएगा, मतलब वो बॉट नहीं होता, बंदा होता है लेकिन मुझे लगता है बॉट है, तो देखो उसके आगे का करिश्मा क्या होता है। मैं कसम से बोल रहा हूँ, इसको मैं बॉट समझ के ना गाड़ी उठा लेता हूँ कि गाड़ी से कुचल डालूंगा, मतलब बॉट कितना ही डैमेज दे देगा, गाड़ी से थोड़ी ना मुझे गिरा देगा, लेकिन भाई साहब ये बंदा निकलता और कसम से मुझे पता होता ना कि बंदा है तो भाई उधर ही गाड़ी के पीछे से मेरे पास इतना ज़्यादा चांस था कि मैं उधर ओपन में ही इसको ठिला सकता था, लेकिन चलो किसी तरीके से बच गए। मतलब बच क्या गए, लौंडे कहाँ कहाँ से गोलियाँ आ रही है मेरी तरफ पता नहीं चल रहा भाई साहब इसको मारने के बाद, और मैं फटाफट यहाँ से गाड़ी लेकर निकलूंगा। मतलब बॉट भी है यहाँ पे, बंदे भी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, पता नहीं कहाँ से आए हैं भाई साहब, इधर जमे पड़े हैं दो चार पांच रौंडे। अभी यहां पे देखना कितना किल मिलेगा मुझे। और कैसा लगा ये सस्ता सलमान खान, सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब गाड़ी में बैठ के मैं इतने लौंडे पेल दिया, मतलब गाड़ी घुमा घुमा के पता नहीं कितने बॉट मैंने मारे और कितने लौंडे मारे भाई साहब, कतई जहर सीरियसली। मैं उसके बाद BRDM में बैठ जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कोई और तो लौंडा ना है, किसी का पार्टनर वार्टनर जिससे ये बच बुचा रहा था, तो भाई साहब कोई मिलता नहीं है मुझे, कोई दिखता नहीं है, तो फटाफट मैं गाड़ी उठाता हूँ और सीधा निकलता हूँ जोन के अंदर। और आप लोगों को असली सलमान खान वाली वीडियो देखनी है तो गाइज डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक डाल दिया हूँ इस वीडियो का, तो जाओ और वो भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। और मैं सीधा पहुंच जाता हूं एक ड्रॉप के पास और यहां पे पहले से गोलीबारी चल रही है, तो मैं बोलता हूं गाड़ी रोकना, खतरे से खाली नहीं होगा, तो भाई साहब ऊपर रोकता हूं गाड़ी और देखता हूं कहां से एंगल मिलेगा, कौन लौंडे कहां पे हैं, तो भाई साहब कोई नजर ना आता है हमको, सिर्फ गोलियों की आवाज़ आती है। उसके बाद भाई साहब दिखता है एक दासिया आ रही है, तो मैं बोलता हूं अच्छा लौंडे उधर है, तो चलो फायरिंग करते हैं हम भी। अब इस भगते हुए इंसान को तो मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो लौंडा अलग अलग टीम का होगा, क्योंकि गाड़ी घुमा रहा है, एक बंदा लेट के फायरिंग वायरिंग कर रहा है वहीं पे, तो भाई साहब क्या चल रहा था मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ दोनों एक ही टीम के थे, वो अंदर जाके पत्थर के पीछे रिवाइव हो जाता है, लेकिन मैं गाड़ी फोड़ने की कोशिश करता हूँ। और मैं उनकी गाड़ी तो नहीं फोड़ पाता, लेकिन वो लोग मेरे ऊपर रश जरूर कर देते हैं। और उसका तीसरा लौंडा भाई साहब M249 लेके मेरे ही पास सोया हुआ है, मतलब सांप बना हुआ है, ऐसा नागिन जो पता नहीं कब डस लेगा तुमको। वो तो अच्छा भला कि मैं हील के ऊपर था, नहीं तो वो कब का मेरे को डस चुका होता। और पता नहीं तीसरा है लौंडा, चौथा भी होगा भाई साहब, मैं बोलता हूँ डर जाओ भग लो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी हड्डी भी नहीं मिलेगा, तीन चारों लौंडे मिलके मारेंगे तुमको। तो गाड़ी उठाता हूँ मैं, फटाफट भग के निकलता हूँ और दूसरे ड्रॉप के पास पहुँचता हूँ, और यहाँ पर भी एक नागिन मिलेगी मुझे।
अब ये लौंडा पूरा फिनिश होता तो समझ में आ जाता कि इसका कोई पार्टनर आसपास नहीं होगा। तो भाई साहब आराम से गाड़ी रोकता हूँ, लेवल 3 का हेलमेट और वेस्ट उठाता हूँ और भाई साहब आराम से गाड़ी आगे ले जाके पोजीशन लेता हूँ। तभी एक गाड़ी यहाँ पे और आती है। अब इसको तो मैं आसानी से मार देता हूँ, लेकिन इसके पार्टनर का आता पता नहीं है मुझे। तो मैं स्मोक डालता हूँ पेटी के ऊपर, आराम से लूट रहा होता हूँ। लूट के जैसे ही खड़ा होता हूँ भाई साहब गाड़ी पे बैठता हूँ, उसके बाद ही फायरिंग होती है अपने ऊपर। देखो अब वहाँ से तो मैं किसी तरीके से बच बुचा के पहुँच जाता हूँ इस हील के ऊपर और यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर लौंडे हैं कहाँ पे और कितने लौंडे हैं। तो भाई साहब मुझे नज़र आता है एक लौंडा और मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे डैमेज देने की कोशिश करेगा, देख लो एक बार। और ये नौटंकी है ना बहुत देर तक चलता रहा, मतलब कुछ पोर्शन मैंने काट भी दिया, मतलब मैंने थोड़ा डैमेज दिया, उसने थोड़ा डैमेज दिया, भाई साहब हम दोनों बचे हुए हैं। लेकिन कोई दूसरे बंदे ने अभी तक फायर नहीं किया यहाँ पे, ध्यान देना। मतलब एक ही लौंडे उधर से फायर कर रहे हैं, ना ही कोई फुटस्टेप आई है मुझे, ना कुछ और आया, मतलब कहीं से भी कोई भी बंदा ना दिखा है मुझे, ना ही फुटस्टेप आई हुई है। तो भाई साहब अब मिलेंगे हम नागिनों के सौदागर से, बहुत बड़े नागिनों के सौदागर से मिलेंगे हम। जी हाँ, तो मैं गाड़ी उठाता हूँ, मैं बोलता हूँ अकेला लौंडा है जाके पेलेंगे, पड़ोस में किसी तरीके से पेल देंगे उसको। तो भाई साहब मैं गाड़ी उठाता हूँ और उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ। और मैं फाइनली M249 वाले को नॉक कर पाता हूँ और मैं सोचता हूँ लौंडा अकेला है, मतलब बहुत देर से तो हम इससे लड़ रहे थे, कोई लौंडा दूसरा गोली ना चलाया, फुटस्टेप भी नहीं आया, तो मैं जाके आराम से फिनिश कर दूंगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तभी मेरे ऊपर गोलियाँ चलती हैं, तो मैं बैक आता हूँ और एक स्मोक डालने की कोशिश करता हूँ। मेरे को समझ में आ जाता है कोई ना कोई नागिन बना हुआ है, अब इसकी टीम का है कि दूसरे की टीम का है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझ जाता हूँ नागिन तो बना हुआ है। जैसे स्मोक डाल के मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और मैं एक नेट भी डाल देता हूँ, तभी वो लोग भी स्मोक कर देते हैं। भाई साहब उसके बाद का कारनामा देखो, पता नहीं कौन कौन से नागिन है यहाँ पे। अरे ऐसे कैसे शांत लेटे रहते हो यार, मतलब थोड़ा तो फुटस्टेप दो यार, तुम्हारे आगे पीछे लड़ाइयाँ हो रही है, थोड़ा तो फुटस्टेप दो यार, मतलब पता तो चले कि तुम लौंडे हो, गोली भी नहीं चलाते हो, फुटस्टेप नहीं दे तो क्या करना चाहते हो, कैसे मतलब लेट के सांप, ऐसे कौन सांप बनता है। ये तीनों लौंडे वही थे जिससे मैं भग के आया था और ये भाई साहब एक को मैं मार पाता हूँ, लेकिन दूसरा लौंडा जिसको वहाँ पर नॉक किया था उसको यहाँ पर नॉक करता हूँ, लेकिन भाई साहब कोई मरता नहीं है। तो बस, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि इस तरीके का मज़ेदार कंटेंट हर रोज़ आप तक पहुंच पाए। और प्लीज़ गाइज इस वीडियो को शेयर कर देना तमाम दोस्तों के साथ, तमाम कजिन्स के साथ, जिसके साथ भी आप पबजी खेलते हो ना, सब लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि इस चैनल का ग्रोथ धीरे धीरे ज़्यादा हो सके और मैं ज़्यादा मोटिवेशन के साथ हर रोज़ आपको वीडियो दे पाऊँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, मेरे सारे सोशल मीडिया का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, हर जगह पे मेरे सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। और गाइज इस वीडियो को जरूर देख लेना, सलमान खान वाला वीडियो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।